हेलो एवरीवन। तो यार आप सभी के लिए बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है यूपी आयुष की काउंसलिंग में। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम को समय फेस कर रहे हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स पे अभी कोई बात नहीं कर रहा है। बीच में मेरी भी 2-3 दिन से वीडियोस अभी थोड़ी सी कम आई हैं, जो एक्चुअल पॉइंट्स थे उनको ऊपर आने में थोड़ा सा टाइम लग गया है, लेकिन मैंने सारे पॉइंट्स, आप सभी की सारी प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। रिपोर्टिंग गोइंग ऑन है, रिपोर्टिंग चल रही है, 2 दिन निकल चुके हैं रिपोर्टिंग के, अभी और भी 2-3 दिन और रिपोर्टिंग होनी है एज पर द गिवन शेड्यूल। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ रही है कि जैसे अगर किसी को प्राइवेट कॉलेज मिला है, तो एक तो प्राइवेट कॉलेज वाले अपनी फीस थोड़ी सी बढ़ा के बता रहे हैं, हमारा बजट उतना अलाउ नहीं कर रहा, तो हम क्या करें, हम कैसे अपग्रेड करें, और अपग्रेडेशन की गाइडलाइन क्लियर नहीं है, उनका क्या एक्चुअल मीनिंग है वो सारा समझाएंगे यहाँ पे, ठीक है, पहला। दूसरा ये, हमको सर कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, हम जिस अकॉर्डिंग उस कॉलेज का हाइप क्रिएटिंग है या जिस कॉलेज जिस तरह से हम समझ रहे थे वैसा कॉलेज नहीं है, वो बहुत सारा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, कॉलेज हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है नहीं है, फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, बहुत रूरल लोकेशन पे है, बहुत सारी दिक्कत आ रही है। जैसे एक एग्जांपल के टर्म्स में अगर बात करें, कल एक बच्चे से बात हुई, उसको रामा अलॉट हुआ था, 2.35 फीस हो गई रामा की, जो लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग था, नॉर्मली 2,400-2,600 रहती थी, और आई थिंक कुछ उनके यहाँ का 25,000 या 20,000 रुपीज़ कुछ रजिस्ट्रेशन फीस या कुछ सिक्योरिटी अमाउंट वगैरह है, तो उसका थोड़ा सा बजट ओवर हो जा रहा है ना। तो इस केस में क्या करना चाहिए, हॉस्टल कंपलसरी कर दे रहे हैं बहुत सारे कॉलेज में, ये है ना। तो अभी इन सारे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, और कुछ चीज़ें हमारी बोर्ड से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को लिंक अटैच करके, इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं इसको लेके गाइडलाइन आना चाहिए, अभी तक गाइडलाइंस पेंडिंग है। अगर ब्रोशर में कहीं पे भी गाइडलाइन दे रखी हैं, अगर आप लोग देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि सर यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन पर दे दी है, वहाँ पर मुझे अटैच करके भेज देना, मैं देख लूँगा, उस पर हम और अपडेट हो जाएंगे, हम आगे से वीडियो उस पर बना देंगे। अभी सबसे पहली प्रॉब्लम ये कि सर राउंड वन में सीट तो हमको अलॉट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। दो तरह के कैंडिडेट हैं, एक है कि नॉट अलॉटेड वाले, जिनको अलॉट नहीं हुआ है उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता करने की भाई साहब ज़रूरत नहीं है, आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपनी चॉइस को सिलेक्ट करिएगा राउंड टू में, लेकिन आपको चॉइस फिलिंग फिर से करनी होगी, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। ये अलॉटेड स्टूडेंट होंगे, अब जिनको अलॉट हो गया उनके साथ क्या, उनको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, कॉलेज अकॉर्डिंग था वैसा नहीं है, फीस की दिक्कत है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, मज़ा नहीं आ रहा सर, जैसा कॉलेज चाहिए था वैसा नहीं है, काउंसलिंग के थ्रू मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, क्योंकि हमारे 50,000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट हमने जमा कर रखी है। अब यहाँ पे बच्चा ये वाला, तो देखो यहाँ पर राउंड टू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपग्रेड कर सकता है, अपग्रेडेशन में चला जाएगा, ये इस पर कोई दिक्कत नहीं है, ये डायरेक्टली यहाँ पे राउंड वन से राउंड टू में अपने पार्टिसिपेट कर सकता है, ये गाइडलाइन दी हुई है, ठीक है। अभी मैं दिखा देता हूँ ये कहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 5 के एकदम टॉप पे दिया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे देख लो, दिख रहा है, आई थिंक विजिबल होगा, इन्होंने लिखा है पंजीकरण कराते समय है ना, अभ्यर्थी को ऑनलाइन माध्यम से धरोहर राशि जो सिक्योरिटी अमाउंट था उसको जमा करना अनिवार्य था, यदि अभ्यर्थी को कोई सीट अलॉटमेंट नहीं होती है और वह जो कमिंग राउंड है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, एक तो कंडीशन ये हो गई कि हमको अलॉट नहीं और हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अथवा प्रथम चक्र में प्रवेश के उपरांत द्वितीय चक्र में पुनः आवंटन करना चाहता है, मतलब राउंड वन में हमको सीट अलॉट थी, हम राउंड टू में जाना चाहते हैं, हम फिर से अलॉटमेंट लेना चाहते हैं, तो आपको पुनः धनोवर धन राशि जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस यही गाइडलाइन इन्होंने सिर्फ एक गाइडलाइन दे रखी है भाई साहब ने, बाकी यहाँ पे इन्होंने कोई गाइडलाइन नहीं दी हुई है। अब इसके बीच में जो मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है या जो बच्चों को हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो अगर आप राउंड वन से अलॉटमेंट के बाद जाते हो तो इसको भी बेटा कहते हैं अपग्रेडेशन, कि हमने अपनी सीट को अपग्रेड करा लिया, लेकिन यहाँ की जो बीच की कुछ एक्टिविटीज़ रह जाती हैं हम उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। अब जो बच्चा यहाँ राउंड वन से राउंड टू में जाएगा, पहला क्वेश्चन ये है क्या वो कॉलेज में रिपोर्ट करेगा कि नहीं रिपोर्ट करेगा, या ऑनलाइन पोर्टल पे ऑप्शन आएगा, या वो रिपोर्ट तो करेगा लेकिन नोडल सेंटर पे रिपोर्ट करेगा, और नोडल सेंटर में रिपोर्ट करेगा और वहाँ पर उसको एप्लीकेशन देनी होगी कि सर हम आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या हम अभी इसके बाद में जो बीच में अपग्रेडेशन राउंड है, सीट तो उसकी राउंड टू में तो चला ही जाएगा यार, लॉजिकली चला जाएगा, उन्होंने आपने एक अपग्रेडेशन राउंड भी तो दिया है, तो क्या वो अपग्रेडेशन राउंड में जाएगा, उसके लिए क्या एक्टिविटी प्रोसेस क्या है, वो कहाँ लिखोगे महाराज, वो तो कहीं पे है ही नहीं। अब इसके बीच में एक तो प्रॉब्लम ये है, अब दो चीज़ें हैं, दो बार रिपोर्टिंग करनी है भाई, जब आपकी सीट फाइनल तभी मानी जाती है, पहला ये
कि आपको नोडल सेंटर पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं तो सभी को ये बोलूंगा, भाई साहब नोडल सेंटर जरूर जाना, वहां से ही क्लियर होगा। अभी इस पे गाइडलाइन नहीं आई, नोडल सेंटर रिपोर्टिंग है, दूसरा अलॉटेड कॉलेज की रिपोर्टिंग है, ये दूसरा पॉइंट है। अगर अलॉटेड कॉलेज में आप रिपोर्ट करोगे, कॉलेज बिना फीस लिए अपने यहाँ पे, तो वो रिपोर्ट कुछ देने वाला नहीं है, तो आपको पैसा यहाँ पे जमा करना पड़ जाएगा। अगर आपकी राउंड टू में सीट अपग्रेड हो जाती है तो कॉलेज वाले पैसा वापस नहीं करेंगे, है ना, तो ये प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज सिंपली ऐसा होना चाहिए कि भाई 50,000 रुपये जब उसका सिक्योरिटी जमा है, वो अपना जाकर एप्लीकेशन दे और आगे के राउंड में पार्टिसिपेट कर ले। एक तो कंडीशन ये हो सकती है। तो ये यार बड़ा कन्फ्यूजन है भाई, दो तीन चीज़ों में बहुत झमेला है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि भाई बच्चे को फीस जमा करनी है, कॉलेज में जाना है कि नहीं जाना है। ये कहीं पे कोई भी गाइडलाइन इसको नहीं दे रखी है। आप इसको MBBS से कोरिलेट नहीं कर सकते हैं, MBBS का सिस्टम एकदम अलग होता है। MBBS में कैसे होता है वो एक लाइन में बता देता हूँ। राउंड वन में अलॉटमेंट आई, कुछ सिक्योरिटी जमा होती है, सिक्योरिटी जमा होने के साथ साथ आपका एक जो DD बनता है वो बोर्ड के नाम पे बनती है, जो कॉलेज की फीस की DD होती है, और आप नॉर्मली अपग्रेड करते हैं तो वो DD वहाँ से रिफंड हो जाती है क्योंकि कॉलेज बोर्ड के नाम पे बनी थी, और वो फिर जाके आपको वापस हो जाता है। वो फिर अगर आप दूसरे कॉलेज में दोगे तो वहाँ पहुँच जाता है। तो ये मूविंग होता है, और वहाँ पर जो रिपोर्टिंग होती है वो नोडल सेंटर पे DD जमा हो जाती है। तो वो जो रिपोर्टिंग सेंटर होगा, जो नोडल सेंटर होगा, वहाँ पे जमा होता है, उसमें कॉलेज से कोई कनेक्शन नहीं होता। बाद में जो बच्चे अलॉटमेंट ले लेते हैं उनको जाके रिपोर्ट करना पड़ता है, समझ गए, उसका कहानी अलग है। उसमें जो नोडल सेंटर होता है वही रिपोर्टिंग सेंटर होता है, समझ गए। अब यहाँ पर एक पहला, तो क्या राउंड वन में हमको जो सीट मिली है क्या हम उस सीट को सरेंडर कर सकते हैं ताकि हमारी एक तरह से फ्री एग्जिट हम ले सकते हैं, हमारा सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं होगा, ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं है, कोई जिक्र नहीं किया गया है। दूसरा, पोर्टल में सबमिशन ऑफ विलिंगनेस को ऑप्शन अपग्रेडेशन राउंड के लिए कहां से आएगा, या हमको वहां पर जाकर फिल करना पड़ेगा, कब आएगा भाई? हो सकता है आप रिपोर्टिंग लो तो वहाँ एप्लीकेशन लो या पोर्टल पे दोगे, जो भी करोगे बताओ तो सही, आप बता ही नहीं रहे हो। अब इसमें प्रोबेबिलिटी तो बहुत तरह से बन सकती है, प्रीवियस ईयर के काउंसलिंग प्रोसेस पे बेस पे बन सकती है, और मतलब MBBS के बेस पे बन सकती है। आप किस बेस को फॉलो करेंगे ये किसी को आइडिया नहीं है। दूसरा, अपग्रेडेशन राउंड में चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा, इसको भी महाराज क्लियर कर दो। आपने तो वहाँ पे दे रखा कि नहीं आएगा, अरे भाई जब आप अपग्रेडेशन कर रहे हो तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए कि हम वहाँ पर चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन नहीं देंगे। आपने वहाँ पे नहीं दिया तो मतलब तो यही हो रहा है नहीं देना चाहिए, लेकिन लास्ट ईयर मॉडिफिकेशन हुआ था तो इस पर क्या है, ठीक है। उसके बाद में अपग्रेडेशन राउंड में मैंने दो पॉइंट बताए थे, बच्चा कॉलेज में रिपोर्ट करना मस्ट है कि नहीं है, दूसरा कॉलेज में फीस सबमिट करेगा कि नहीं करेगा, या उसको कॉलेज जाना ही नहीं है, उसकी कहानी खत्म, सीधा अपग्रेडेशन राउंड में चला जाएगा। कैसे जाएगा, क्या प्रोसेस है? अपग्रेडेशन राउंड के लिए कुछ भी गाइडलाइंस नहीं दी हुई है। अगर किसी को कहीं पे भी पूरे कंप्लीट ब्रोशर में मिल जाए, प्लीज़ नंबर डिस्क्रिप्शन पर दे रखे, उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो हम लोग एक बार उसको देख लेंगे क्या कितनी फीस बैठ रही है। वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो इसको ढेर सारा।